हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए दोस्तों, मैंने 46,000 पुट का चार्ट ओपन कर रखा है और अभी लगभग 12:30 बज रही है। और ये देखिए जो सपोर्ट पे चल रहा है और उम्मीद है सपोर्ट को ये तोड़ देगा। देखते हैं दोस्तों, अभी ऑलमोस्ट 395-400 के आसपास इसका रेट है और मुझे जो दिख रहा है ये ऑलमोस्ट 75-76 के आसपास एक माइनर इसमें थोड़ा सा सपोर्ट और दिख रहा है। वहाँ तक ये उम्मीद है जा सकता है। उसके बाद अगर ये ब्रेक हुआ तो गया। ये देखिए ड्रॉ करते हैं इसको। ये रहा 75-76 एरिया है। ये माइनर सपोर्ट ही है तो उम्मीद है इसको भी तोड़ देगा ये। और फिर नीचे ऑलमोस्ट यानी नेक्स्ट मेरे को दिख रहा है ऑलमोस्ट 40-50 पॉइंट नीचे। और लास्ट जो होप है इसका वो है ऑलमोस्ट 300 के आसपास। यानी यहाँ से ऑलमोस्ट अगर 400 से मैं कैलकुलेट करूँ तो मोटा मोटा 100 पॉइंट का आप इसमें फाइनल टारगेट ले सकते हैं। 90-100 पॉइंट के आसपास का, वो आपके रिस्क रिवॉर्ड के ऊपर है कितना आपको रिस्क रखना है उस हिसाब से। 1:2, 1:1.5 या 2:2.5, तो देख लीजिए आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से। मैं क्योंकि स्कैल्पर हूँ तो मैं ज़्यादा होल्ड नहीं करता। मैं हार्डली 30-40 पॉइंट में निकल जाता हूँ, जैसा भी, मतलब कई बार 10 पॉइंट में भी निकल जाता हूँ। डिपेंड करता है कैसा है मार्केट और क्या मेरे लेवल्स हैं। तो ये देखिए सपोर्ट तो इसने तोड़ दिया है। अब ये 75-76 जो है ये लास्ट होप है। यहाँ से भी अगर ये नहीं रुकता तो फिर ये चला जाएगा। वेट करते हैं, देखते हैं। मामूली ग्रीन बना तो रहा है बट लग नहीं रहा ये होल्ड करेगा। जा रहा है दोस्तों नीचे। अब ये अगर 70-75 ही जो एरिया है ये माइनर और थोड़ा सा सपोर्ट है जहाँ से ये आ सकता है, तो अगर इसको होल्ड करता है तो ठीक है। अदरवाइज कितना है ये 320-30, देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं एक बार। ये वाला, हाँ यहाँ तक दोस्तों ये ऑलमोस्ट 300 के आसपास ही आ रहा है। बाकी मतलब राउंड फिगर वाला टारगेट आप कभी मत रखिएगा 300 हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है पहले ही बहुत सारे ऑर्डर्स रहते हैं। तो 5-10 पॉइंट ऊपर आप इसमें अपना टारगेट रख सकते हैं, 305-310 के आसपास। मैं ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास निकल जाऊंगा इसमें, 350 के आसपास। अभी मैं थोड़ा वेट करूंगा, अभी मैंने एंट्री नहीं ली है। मैं एक बार वेट करूंगा थोड़ा सा इसको ऊपर। मामूली रिट्रेस कर रही है, जैसे ये देखिए रिट्रेस कर रहा है थोड़ा सा ऊपर। तो बोलते हैं ना सपोर्ट जो था वहाँ से एक, चलिए दोस्तों एंट्री लेते हैं इसमें। 395 के आसपास इसमें अपन शॉर्ट करेंगे। ठीक है भाई, ये लो 395 के आसपास अपन ने शॉर्ट कर दिया इसको। और देखते हैं टारगेट कितना लेते हैं इसमें। पहले स्टॉप लॉस एक मोटा मोटा सेट कर लेते हैं कितना है। ठीक है 40-35-40 पॉइंट का, 40 पॉइंट, हाँ ठीक है, चलो वेट करते हैं देखते हैं। ये बैंक निफ्टी जो है दोस्तों, क्योंकि इसमें मोमेंटम थोड़ा फास्ट रहता है एज कम्पेयर टू निफ्टी, तो टारगेट हिट होने के जो आपके चांस हैं, चांस तो क्या मतलब जो टाइम आपका लगता है उसमें, वो थोड़ा कम होता है अगर आपने सही ट्रेंड पकड़ा तो। अदरवाइज तो फिर बैठे रहो बैठ। और ऐसे केसेस में मैं जो प्रेफर करता हूँ वो ये है कि अगर ट्रेड मेरे डायरेक्शन में चला जाता है, 15-20 पॉइंट भी अगर निकल गया मेरे डायरेक्शन में, तो मैं उसको जो स्टॉप लॉस है उसको ट्रेल कर लेता हूँ। लो जी ये ट्रेल कर लो, अब अपना ना के बराबर का लॉस है इसमें, तो टेंशन ख़त्म, दिमाग से टेंशन अपनी हल्की हो गई कि हाँ भैया अपना कोई लॉस होएगा। तो क्योंकि मार्केट है दोस्तों, मार्केट का देखो कुछ कह नहीं सकते, कब क्या हो जाए मार्केट में, एकदम से कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए और मार्केट यहीं से पलट जाए। तो न्यूज़ के टाइम पे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं देखता है, उसको जिस तरफ भगना है वो उसी तरफ भगेगा। और न्यूज़ ऐसी चीज़ है कि वो ना आपको पता होती है ना मेरे को पता होती है, वो जबानी होती है, वो सिर्फ बड़े प्लेयर का ही खेल है। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन जो है उनके हिसाब से ही रहता है वो। देखते हैं, वेट करते हैं थोड़ा। अब अपना रिस्क क्योंकि इसमें नहीं है, मतलब ना के बराबर है हार्डली। कितना मैंने 2 लॉट लिए दोस्तों, 2 लॉट के हिसाब से कितना है,
हार्डली मतलब 200-300 रुपये का रिस्क है, ज़्यादा रिस्क नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं थोड़ा। अब 200-300 रिस्क पे लगाएं तो एटलीस्ट डबल तो अपन लेंगे, मतलब 700-800 रुपये, 1000 रुपये का एक मोटा मोटा टारगेट लेके चलते हैं। इसमें 1:3 हो जाएगा उससे। मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे, राम आएंगे। वैसे सभी भाइयों को जय श्री राम, मंदिर बन गया है अपना और उसका उद्घाटन है, उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो दिवाली आ रही है भाई, 22 तारीख को फटाके सब फोड़ना, भूलना मत कोई भी। ट्रेड दोस्तों, पहले कई बार क्या होता था, जैसे मैं जब ट्रेड लेता था तो मान लो ट्रैवलिंग में हूँ या कहीं और हूँ, तो वो मैं जब ट्रेड लेता था ना, तो कई बार ऐसे आंखें बंद करके कहीं भी कोई मूविंग एवरेज हो गया उस पर, तो वो मेरे स्टॉप लॉस है ना, बहुत हिट होते थे उस पर। क्योंकि मतलब एक तो मेरा दिमाग चार तरफ होता था, इधर उधर बाहर भी ध्यान है। ट्रेड जब भी लो ना, थोड़ा सा ऐसे देखा करो कि आप शांति वाले एनवायरनमेंट में हों और आपका जो वो क्या कहते हैं, कोई डिस्टरबेंस ना हो आसपास, ना पूरा फोकस कर सको आपके ट्रेड के ऊपर। ऊपर आ रहा है बट ठीक है, अभी स्टॉप लॉस अपना दूर है, ये सपोर्ट एरिया के ऊपर ही अपना स्टॉप लॉस, तो इसलिए टेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट अपन अपनी तरफ ही है वो। मैं दोस्तों जो यूज़ करता हूँ वो कोटेक यूज़ करता हूँ, और जो ग्राफ है वो मेरे पास एक्चुअली दो ब्रोकर का अकाउंट है, कोटेक का और एक अपस्टॉक्स का। कोटेक में मैं ट्रेड लेता हूँ क्योंकि मेरा उसमें फ्री इंट्राडे है, कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगता है। और अपस्टॉक्स में मैं अपना जो डिलीवरी वाली पोजीशंस है वो अपस्टॉक्स में रखता हूँ, जिसमें मतलब होल्डिंग वाला जो रहता है मेरा स्विंग ट्रेड, अगर मैं करता हूँ तो वो अपस्टॉक्स से करता हूँ क्योंकि उसमें डिलीवरी फ्री है। तो ये दोनों मैंने अलग अलग फ्री के हिसाब से रख रखे हैं क्योंकि ये मेरा इंट्राडे है। निफ्टी बैंक निफ्टी अगर मैं ऑप्शंस में करता हूँ तो 99% मेरा इंट्राडे ही रहता है। रियरली कोई मैं अगर स्ट्रैटल स्ट्रैंगल बना रहा हूँ तो फिर मैं उसको स्विंग लेके जाता हूँ, वो भी मैं करता, हालांकि कोटेक में ही हूँ, ऑप्शन सब उसमें। इसमें मैंने हालांकि एक्टिव भी नहीं करवा रखा, अब स्टॉक्स में पहले एक्टिव था, बंद करवा दिया वो, क्यों जबरदस्ती 40-50 रुपये 100 रुपये दूँ मैं प्रीमियम के उसके ब्रोकरेज के, जब मेरे को फ्री में ही वो काम हो रहा है। तो सपोर्ट लेके जा रहा है दोस्तों ऊपर, उम्मीद कम है बट स्टिल देखते हैं, क्योंकि सपोर्ट के नीचे इतनी देर इसने होल्ड किया है, 5-7 मिनट तो हो गए इसको होल्ड करे हुए नीचे, तो जब एक 5-7 मिनट हो जाते हैं तो उम्मीद थोड़ी कम रहती है वापस ऊपर जाने की। कॉस्ट के आसपास आ गया दोस्तों ये, ठीक है वेट करेंगे थोड़ा। अभी स्टॉप लॉस क्योंकि अपना ऊपर है, इसमें डायग्राम में तो अपन ने जीरो कर रखा है स्टॉप लॉस, बट स्टिल ये जो 400 कितना 10 के आसपास अपन स्टॉप लॉस रखेंगे, 10 पॉइंट का तो स्टिल स्टॉप लॉस लेंगे अपन अपनी कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ। मार्केट में ये थोड़ा मतलब मुझे तो पता नहीं क्यों, बहुत बार ऐसे बोलते हैं ना, पेशेंस जो है, पेशेंस मेरे में थोड़ा कम रहता है, इसी वजह से मैं बहुत जो ट्रेड है मेरे वो जल्दी बुक कर देता हूँ और पता लगता है बाद में, अरे यार ये तो बहुत ऊपर भाग गया, या अगर पुट साइड होता है तो अरे यार ये तो बहुत नीचे चला गया, तो वो थोड़ा सा कई बार बोलते हैं ना कि दिल को ठेस पहुँचता है ऐसी चीज़ों में, आपके साथ भी होता होगा बट ठीक है क्या करें, मार्केट है, सबका अपना अपना लेवल रहता है। अब ये जो दोस्तों रेड कैंडल बन रहा है ना बड़ा वाला, इस रेड कैंडल के टॉप पे अपन अपना स्टॉप लॉस रख देंगे, क्योंकि अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर वो ऊपर भागेगा। ये अपना जो रेड कैंडल का स्टॉप लॉस है वो ऑलमोस्ट 397-398, वही 400 के आसपास आ गया। ठीक है ठीक है दोस्तों, नीचे आ रहा है आ रहा है आ रहा है, आ जाओ।
थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं स्टॉप लॉस, ताकि अब कॉस्ट के भी नीचे लेके आ जाएंगे अपन, तो अपना जो ठीक है कितना है ये, 380, 385 के आसपास रख देते हैं दोस्तों, 385 के आसपास अपन ने स्टॉप लॉस। 85 रखें, कितना रखें, नहीं यार ये खाएगा इनके, 390 रखते हैं दोस्तों, अभी 390 अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, कोई बात नहीं ठीक है, 2-4 पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता। इसमें तो ठीक है जो है बनने दो, कोई बात नहीं, 390 अपन ने रखा है दोस्तों स्टॉप लॉस, तो यानी अब अपन 10 पॉइंट, 10 नहीं सॉरी 5 पॉइंट अपन प्रॉफिट में है, तो क्योंकि मेरा ब्रोकरेज नहीं है और थोड़े से एसटीटी वो लगेंगे, एसटीटी जीएसटी जो भी है यार, स्टिल ठीक है, वेट करते हैं। नीचे देखो दोस्तों ये पिक बन रहे हैं, अरे रखें कि नहीं रखें, आप अगर हो मतलब कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो नीचे ले आओ, मेरा स्टिल 390 है स्टॉप लॉस, अगर आप कंजर्वेटिव हो तो नीचे ले आओ थोड़ा सा जहाँ मैंने बताया, तो ठीक है ये हिट हो गया, ठीक है आप लोगों को एटलीस्ट कितने 25-30 पॉइंट मिल गए होंगे नीचे, क्योंकि देखो दोस्तों दोनों बार फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन विक बने हैं नीचे, जो मतलब बाइंग आई है नीचे से वो आ रही है, तो यानी उम्मीद है यहाँ से खींच के ले जाए तो स्टिल ठीक है ना भाई, अपन अपना जो प्रॉफिट अपन ने कमाया है वो क्यों छोड़े। थोड़ा सा पकाऊ हो जाता है दोस्तों, बस होल्ड करके रखना। मैं भी बुक कर लेते हैं यार, क्या करें, करें नहीं करें, मेरा एक्चुअली एक कॉल आ रहा है दोस्तों, मुझे थोड़ा, चलो दोस्तों मैं भी बुक कर रहा हूँ अपना, ठीक है जो भी है, बट ये उम्मीद है मेरे को कि ये नीचे आएगा, मुझे फ़ोन आ गया है मुझे मार्केट जाना है यार, ये काम ही ख़त्म नहीं होते हैं यार, ये देखो ये एक ट्रेंड लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर आप लोग हैं अभी ट्रेड में तो ये जो एरिया है 385-386 के आसपास का, यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट बनता है वापस अगर ये ऊपर आता है तो आप देख लीजिए, अगर आपको वापस शॉर्ट करना है तो ये इस एरिया से आप शॉर्ट कर सकते हैं, मैंने दोस्तों बुक कर लिया है ऑलमोस्ट 375-4 के आसपास मेरी बुकिंग हुई है, ठीक है 20-25 पॉइंट आए, मुझे पता है ये नीचे जाएगा बट साला टाइम नहीं है बैठने का, क्या करें, और क्योंकि फ़ोन आएंगे और मेरा जो नेट चल रहा है वो उसी फ़ोन से ही चल रहा है, तो ऐसा नहीं हो कि उल्टा ही पड़ जाए ट्रेड, इसलिए मैंने बुक कर दिया, ठीक है दोस्त का फ़ोन, एक और वेट करते हैं, पहले फ़ोन में कौन ही जाता है दोस्त के पास भाई, एक दो फ़ोन करेगा फिर जाएंगे, मार्केट साला ऐसी चीज़ है मतलब इससे है ना वो बोलते ना मोह बोल लो या कुछ, हटता नहीं है बस, लेके बैठे रहो, ये ग्राफ जो चल रहे हैं ना इनको देखने में बहुत मज़ा आता है, कहाँ कहाँ जाएगा मार्केट, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा, एक दो तीन, अब ये दोस्तों ये जो विक आप देख रहे हो ना नीचे, मुझे लग रहा है ये तोड़ देगा, क्योंकि फर्स्ट डाइव लिया, सेकंड लिया, थर्ड आ रहा है वापस उसी जगह पे जो एक अर्लियर एक सपोर्ट बन गया था, ये विक वाला एरिया ये देखिए, ये यहाँ स्टॉप लॉस से देखा आपने एकदम से जो ये हुआ, एकदम से वो वैल्यू नीचे आई और नीचे देखो एकदम से वॉल्यूम आया उसका, या आप अगर है आप अभी भी ट्रेड में तो स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के ऊपर ले लीजिए अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं निकल गए तो। ऐसे स्टॉप लॉस ये, क्योंकि इसके लो पे दोस्तों स्टॉप लॉस लगा था और वो स्टॉप लॉस खा के और अब लोग जा रहे हैं वापस, जो बड़े प्लेयर्स हैं ऊपर वालों का भी खाएंगे वो स्टॉप लॉस, ये देखना ग्रीन कैंडल बनाएंगे और ये जो रेड कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा है ना कईयों का वो भी साले खाएंगे अभी।
आ रहे हैं दोस्तों, ये देखो। आप लोग अगर अयोध्या है, यूपी में है, और अगर राम मंदिर जा रहे हैं तो नीचे एक फोटो ज़रूर शेयर करिएगा अपना कमेंट में, और बताइएगा आप लोग दिवाली मनाएंगे 22 तारीख को। वैसे तो पूरा इंडिया ही मनाएगा, पूरा इंडिया तो नहीं कह सकता, बट हाँ 90% लोग मनाएंगे जो खुश हैं। आएगा दोस्तों नीचे। यहाँ थोड़ा ये 1 2 3 4 5 6 7 7 8 मिनट हो गए दोस्तों इसको टाइम पास करते हुए, तो या तो अभी ऐसे टाइम पास में रह जाएगा, मतलब ये 5 10 पॉइंट ऊपर नीचे ऊपर नीचे, या फिर 1 2 कैंडल के बाद में से एक अच्छा मूव आएगा नीचे की तरफ। मूव तो नीचे ही आएगा दोस्तों, क्योंकि अब इसने सपोर्ट ब्रेक कर दिया और वहाँ पे ये सस्टेन कर रहा है नीचे की तरफ, तो ऊपर हो सकता है एक आध स्टॉप लॉस खाने के लिए आ जाए। ऊपर ध्यान रखना दोस्तों, ये जो अपन एरो मार्क कर रखा है ना 385 86 वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक अच्छा शॉट बनता है, तो अगर आपको एंट्री लेनी है तो वापस यहाँ पे एंट्री ले सकते हो, 1 आध 2 पॉइंट ऊपर नीचे चलेगा, कोई बात नहीं। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है जो सेकंड नंबर की जो रेड कैंडल बनी है बड़ी वाली, उसके ऊपर जो सपोर्ट एरिया है ऑलमोस्ट 400 के आसपास आपका, आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो 15 20 पॉइंट का रिस्क होगा मेरे हिसाब से, 20 पॉइंट के अगेंस्ट में आप मिनिमम 30 से 40 पॉइंट यानी 1:1.5 या 1:2 का आप अपना टारगेट रखिए। तो अगर 380 पे भी आप मान के चलें अपना शॉट करते हैं 75 से 80 के बीच में, तो 40 पॉइंट यानी 335 330 के आसपास अपना आप टारगेट रख सकते हैं, जो कि आएगा 3.5 तक तो गया है, उम्मीद है 10 20 पॉइंट और नीचे आएगा। ये थ्री कितना गया, 45 तक हुआ है शायद, ये 48 45 तक। लाइव ट्रेडिंग में यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मतलब आपको क्या वेट करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, और इसकी रिकॉर्डिंग करो तो वो अलग एक संकट है। मतलब आप लोग तो चलो ठीक है फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो, बट हमें तो पूरा बैठना पड़ेगा, मैं हूँ या जो और कोई भी ट्रेड अगर लाइव रिकॉर्ड कर रहा है तो पूरा बताना है समझाना है। लो भाई आ गया, कितना हुआ, 340, 2 5 पॉइंट और है। ये कि देखो छोटा सा यहाँ पे भी एक कह सकते हो कि देखिए ड्रॉ करते हैं, ये बिग ग्रीन कैंडल देख रहे हो दोस्तों, ये वाली बड़ी, इसका लो जो है यहीं से इसने सपोर्ट लिया है और वापस जा रहा है। ये जो अपन ने बनाया ना अपना टारगेट एरिया, ये देखो ये और नीचे तक आ सकता है इस एरिया तक, इसको ये पूरा एक्सपेंड करते हैं अपन 300 310 के आसपास। तो अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, होल्ड करके रखिए। चलिए दोस्तों, मेरा तो दोस्त का फ़ोन आ गया, मैं निकलता हूँ, आप लोग देखिएगा
मिलेंगे फिर अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।